नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस नंबर वन एमिडिफायर की, और साथ ही साथ मैं इसका रिव्यू भी करूँगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन आपको मिल जाएगा, वो दबा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ह्यूमिडिफायर को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इस ह्यूमिडिफायर को खरीद सकते हैं। तो गाइज, यहां पे हम बात करें इसके बॉक्स की, तो आपको सामने की तरफ से लिखा हुआ मिल जाएगा नंबर वन ह्यूमिडिफायर। और साथ ही साथ इसके साइड एरिया की बात करें तो आपको इसके एक साइड लिखा हुआ मिल जाएगा स्पेसिफिकेशंस, जो कि इंग्लिश में है। और फिर तीसरे साइड की बात करें तो फिर से वही है जो फर्स्ट साइड में था, और फोर्थ साइड में आपको स्पेसिफिकेशंस चाइनीज में लिखा हुआ मिल जाएगा। और गाइज, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है कि कौन कौन से कलर इसके अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है येलो, रेड, ग्रीन और स्काई। तो यहाँ पे है मेरे पास स्काई कलर का ह्यूमिडिफायर, तो आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइज, यहाँ पे हमारे सामने इस ह्यूमिडिफायर का बॉक्स, तो मैं इसे करता हूँ ओपन और देखता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे मैं पहले निकालता हूँ तो ह्यूमिडिफायर बाहर निकल के आता है, और देखता हूँ कि इस डब्बे में क्या है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एक्स्ट्रा फिल्टर, जो कि अगर आपका फिल्टर ख़राब हो जाता है तो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB केबल, और साथ ही साथ एक मैनुअल जो कि इंग्लिश में है, और आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इस ह्यूमिडिफायर को बाहर, और मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है एक USB पोर्ट, जहाँ पे आप USB केबल इंसर्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बटन जिसे आप प्रेस कर सकते हैं। तो गाइज, अब इस ह्यूमिडिफायर के वाटर टैंक में मैं वाटर को फुल कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस ह्यूमिडिफायर को एज ए रूम फ्रेशनर यूज करना चाहते हैं तो इसमें आप परफ्यूम्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये ह्यूमिडिफायर एक रूम फ्रेशनर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ क्लोज, और सिंपली आपको इस पर डाल के आपको रोटेट करना है और ये लॉक हो जाएगा। तो गाइज, अब बारी आती है इस ह्यूमिडिफायर को इलेक्ट्रिसिटी देने की। तो इसके लिए सिंपली आपको इस USB केबल को कुछ इस टाइप से आपको इंसर्ट कर देना है, और आप इस USB केबल को अपने PC, लैपी, अपने फ़ोन या एक एडेप्टर से भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद आपको सिंपली ये जो बटन है उसको एक बार प्रेस करना है, उसके बाद ऊपर से स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट टाइप का है, इसलिए आपको स्प्रे दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आप इसे हल्का हल्का देख सकते हैं। और गाइज, इस ह्यूमिडिफायर के बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप की लाइट इसमें जलने लगेगी, और फिर से आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये लाइट जलना बंद हो जाएगी। और साथ ही गाइज, आप इस ह्यूमिडिफायर को एज ए नाइट लैम्प भी अपने रूम में यूज कर सकते हैं। और साथ ही गाइज, अगर आप इस ह्यूमिडिफायर को अपने फ़ोन से यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक OTG केबल होना चाहिए। तो सिंपली आपको OTG केबल को अपने फ़ोन में लगा देना है, और इस USB केबल को अपने OTG केबल में लगा देना है, उसके बाद आप अपने ह्यूमिडिफायर को अपने फ़ोन से यूज कर पाएंगे। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।